रुको। चल बे पेपर निकाल, पेपर जल्दी निकाल। बीड़ी पियो क्या हवलदार? बीड़ी बीड़ी कालिया कब छूटा जेल से बे तू? चार दिन हो गए शायद। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोई लफड़ा फड़ा फिर से करने का इरादा है क्या? किधर का ट्रिप है तेरा? अरे राजापुरा गार्डन जाना है, जल्दी करो यार हवलदार। शाम होने से पहले मुझे घाट पार करना है, जल्दी करो। बहुत जल्दी मैं जा रहे हो, जरूर कोई लफड़ा तो है। देखता हूँ तेरा माल क्या है। अरे हवलदार माल उधर नहीं यार, इधर है, इधर इधर। चोर चोरी से जाए साला, हेरा फेरी से ना जाए। तू करमचंद हवलदार को नोट दिखाता है, बाजू पे लगा ये तीन पट्टी नहीं देखा? अभी उतारता हूँ तेरा तालपत्र, चल उतार, देखता क्या, चल उतार साले का माल। बाबा कालिया चाचा। कहाँ जाओगे कालिया? मैं तुम्हारा अपना भाई हूं, तुम्हारा अपना, मुझे जाने दो। अपनों को तो पहले ही बदनाम कर चुके हो, अब ड्राइवरों को जात को बदनाम करना चाहते हो? अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना। भैया मुझे जाने दो वरना गोली चल जाएगी। तेरी गोली तो बाद में चलेगी, पहले मेरा हाथ चलेगा। रोको रोको इंस्पेक्टर, ये कमबख्त कभी मेरा भाई था, आज कानून का मुजरम है, ले जाइए इसे। ले चलो इसे, चलो लीजिए। थैंक यू। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई कालिया को पकड़वा कर तुमने अच्छा नहीं किया धर्म सिंह। तुम्हें अदालत में ये कहना होगा कि ट्रक में पकड़ा हुआ माल तुम्हारा था और दरअसल तुम कालिया के साथी हो। देश के गद्दारों, धर्म सिंह मिट्टी में मिल जाएगा मगर झूठ कभी नहीं बोलेगा। तुम्हें भी कालिया की तरह कानून के हवाले करूंगा। बच्चों का ख्याल रखना धर्म सिंह। बाबा शांति, अरे शांति अपनी जरूरी चीजें इकट्ठी कर ले, हमें यह घर छोड़कर फौरन जाना होगा। आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? अरे पुलिस हमारा पीछा कर रही है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं तो शुरू से आपसे कहती थी कि ऐसे बुरे काम मत कीजिए, इसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मेरे पास ना तो तेरे भाषण सुनने का वक्त है ना ही तेरी बहस का। तू चलती है तो चल, नहीं तो जा रहा हूँ। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा? तू जा जहन्नुम में, इस बच्ची को लेकर मैं जाता हूँ। नहीं, इसे मत ले जाइए, आपको मेरी कसम, इसे मत ले जाइए। मैं कहता हूँ
पैसे लेने फिर आऊंगा। कसम बाबा, मैं आपके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारी जिंदगी ऐसे जालिमों की नाकाबंदी करूंगा। ए, गुर गुर के क्या देख रहा है? नजर लगाता है, चल भाग। खबरदार, जो उसे रोटी दी तो साला चोर। मेरी रोटी चुरा के भाग रहा था। तेरी रोटी? इस पे ना तो कहीं तेरा नाम है, ना कहीं तेरा अंगूठा है। खाने दे बेचारे को। तू उसका चाचा लगता हूं और तुझे बनाऊंगा मामा। अबे जा, तेरे जैसे पाव देखे। चल फुट। चल फुट की बात मत कर। मैं फुलके फोड़ने आया था, चार पांच। लगता है चार पांच ये तेरे जिस्म की चीजें फोड़ के जाऊंगा। ये देखा है? ये क्या है? ये अपना स्टैंप है, ट्रेलर है। इसे कुसन कहते हैं और पुड़पुड़ी से कहते हैं। ये कुसन कुसन क्या है? वो तो लुधियाने वाले। चला कुसुन क्या होता है? मुंडो जी, इसे उठा के किसी सलोतर खाने छोड़ा। अच्छा जी, गुरुजी महाराज, ये तो एकदम पंक्चर हो गया। तो ले जाना उठा के इसे। अच्छा जी, शुक्र लाल। आओ, एक कचरा उठा के बाहर फेंकते। नाम क्या है तेरा? राजू। चोरी क्यों की थी? भूख लगी थी इसलिए। भूख लगी थी? कहाँ रहते हो? वो सड़क है ना, वहाँ रहता हूँ। गाँव में बाढ़ आ गई थी, माँ बाप डूब गए और मैं। बस यार बस, बाकी तेरी कहानी में समझ गया। गरीबा नाल पता नहीं की कुछ भी देते। ए, वठो। कितना है? पूरा 2000 सही। ठीक है, पूरा लगता महाराज। सेठ समेत समान साथियां पाथिया। पाथिया सही? ये पाथिया क्या होता है? ये तो लुधियाने वाले जानते हैं। अरे बाबा, थोड़ा हमको भी समझाओ। नहीं, थोड़ा अज्ञा हो। नहीं लो, बता दे। हाँ। बता दे। पट्टा ऊपर कर देता है। ओ तुम,
आओ आओ, मैं तुमसे पहले ही तुम्हारा स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा किया जो तुम खुद ही यहाँ चले आए। पहना दो हथकड़ी मुजरिम को। क्यों जी, मैंने किसी की बर्फी को हाथ लगा दिया? मैं तो उनको पकड़ के लाया हूँ, क्या कहते हैं स्मगलरों को, सामान ट्रक में पड़ा है। तुम इन्हें गिरफ्तार करने वाले कौन होते हो? ये काम पुलिस का है, हमारा है। देखो जी, पुलिस भी देर सवेर कर देती है, आप पंखा चला के नीचे पड़े खराटे लेते रहते हैं, मैं क्या करता? मैं पकड़ के ले आया। वीरा, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। कर लो जी, पलायन का तो जमाना नहीं रहा आजकल, कर लो। लेकिन बता सकते मेरे साथ दुश्मनी क्या है आपको? इसकी दुश्मनी तुमसे नहीं, सच्चाई से है वीरा। आपकी डाउट बिल्कुल करेक्ट है जी। तुम जाकर एफआईआर फाइल करो जी। चलो